ओके स्टार्ट करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बुकलेट का पेज नंबर 103 ओपन करो प्लीज। ठीक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर आज के लेक्चर में से 3 नंबर का आने का बहुत ज्यादा चांस है। एक दूसरा, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड न्यूमेरिकल कुछ भी आएगा जो आज हम करेंगे। दूसरा, नीट में, नीट मेडिकल वालों के लिए गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा गैल्वेनोमीटर के ऊपर, एम मीटर या वोल्ट मीटर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर मेंस ऑफलाइन होता तो मैं 100% बोलता कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पर अब क्योंकि कंप्यूटर है सेलेक्ट करना है, मुझे क्या पता आपके सेट में क्या सेलेक्ट करेगा। तो आपको तो सब कुछ ही करके जाना है, तो आपके लिए जहाँ इतना इंपॉर्टेंट है वहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता क्या आएगा, तो आपको सब कुछ ही करके जाना है। तो गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करेगा, एक्सट्रीमली स्मॉल करंट्स एंड वोल्टेजेस को मेजर करेगा। ये वर्ड एक्सट्रीमली जरूरी है क्योंकि एम्पियर के अंदर तो करंट मेजर करता नहीं, ये तो मिली एम्पियर के अंदर करता है, 0.01 एम्पियर, 0.02 एम्पियर, बहुत ही छोटे करंट्स को मेजर करेगा, बड़े करंट्स को नहीं कर पाएगा। तो कौन करेगा? एमीटर करेगा। क्या होता है एमीटर और क्यों गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर पाता, उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पर छोटे करंट जहां जहां मेजर करने को आएंगे वहां गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, इसका प्रिंसिपल है और लिखा हुआ है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल करंट एंड वोल्टेज। प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेन एवर सम करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। किया था लास्ट टाइम, अगर एक लूप को जिसमें करंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और कितना करेगा? NBIA साइन अल्फा या NBIA कॉस थीटा, ये हमने डिस्कस किया था। अब इसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में, ये एक गैल्वेनोमीटर के अंदर की कंस्ट्रक्शन है। इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले इसमें मैग्नेट लगी होगी, इसमें हॉर्स शू मैग्नेट है, गोल मैग्नेट है, नॉर्थ से लेके साउथ गोल मैग्नेट है। तो इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसके बीच में आप एक कॉइल को रखेंगे, कॉइल को लपेटा जाएगा एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ऐसा क्यों किया जाता है ये लेटर में बाद में समझेंगे, इसे अभी नहीं। तो दूसरा, कॉइल को इसके ऊपर लपेट दिया जाएगा, उसका एक एंड ऊपर और एक एंड नीचे बांध दिया जाएगा। तो ये जो वायर है जिसके साथ बांध रखी है नीचे की कॉइल, वो एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है, उस मटेरियल का नाम है फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप या वायर। ये एक स्प्रिंग टाइप मटेरियल है जो टूटता नहीं है, जितना मर्जी उसको मरोड़ लो, कॉपर की वायर टूट जाती है मरोड़ने से, ऐसे से करोगे तो टूट जाएगी, ये नहीं टूटता। क्योंकि नीचे की कॉइल जब घूमती है तो ये अपने एक्सिस पे घूमता है, और एक्सिस पे घूमने की वजह से बहुत प्रोबेबिलिटी है टूट जाएगा, पर मटेरियल ऐसा है ये टूटता नहीं है। ठीक, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये भी ठीक है यहाँ तक। तो करेंगे क्या, इसके अंदर जो भी करंट को मेजर करना है हम एक एंड से मेजर इसमें एंटर करवाएंगे, करंट इसमें जाएगा, लूप में जाएगा और बाहर आ जाएगा, और ये जो कॉइल है ये घूमेगा। जितना ज्यादा ये घूमेगा, कितना घूमेगा करंट पे डिपेंडेंट है, करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा तो पता लग जाएगा कि करंट ज्यादा है। जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी हमें पता है कि इसमें करंट ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन कम होगी तो करंट कम होगा। तो सब घूमने के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रैक्टिकली ये कैसे चलेगा, प्रैक्टिकली देखने के लिए रजिस्टर दिए कॉपी दे दे कोई भी। जैसे सपोज ये कॉइल है, तो ये कॉइल के ऊपर, नहीं प्रैक्टिकली हमें ऐसा नहीं दिखता, हम अगर कोई भी मशीन लेंगे उसमें एक सुई लगी होती है, जैसे स्टेबलाइजर्स पे लगी होती है, वोल्ट सुई 220 वोल्ट 210 वोल्ट पे घूमती है। तो प्रैक्टिकली हमें ग्लास गिवन होगा, शीशा, और उसके ऊपर सुई मीटर गिवन होगा, वो मीटर बताएगा कि करंट कितना है, तो डिफ्लेक्शन करता रहता है शो। एक्चुअल में क्या होता है, वो सुई घूमती क्यों है, वो इसलिए घूमती है क्योंकि ये कॉइल है, मैग्नेट के बीच में है, करंट गया, कॉइल घूम गया, कॉइल हल्का सा ऐसे हो गया। तो हुआ क्या कि इसके आपका टॉप व्यू देखना है, आपने कॉइल नहीं देखनी, सिर्फ ये सुई देखनी है और ये मीटर लगा हुआ है मान लो,
तो आपको ये अभी रीडिंग जीरो है, जब कॉइल में करंट गया तो कॉइल घूमी, देखो ये सुई भी घूम गई, तो आपको नीचे की वर्किंग थोड़ा दिख रही है, आपको तो सुई घूमती दिख रही है, उस पर लिखा होगा 1 mA, 2 mA, 3 mA, 3 mA, आपको कि करंट आ गया। आम बंदा तो कहते हैं कि सुई बता देगी करंट कितना है, लेकिन हम लोग वैसे थोड़ा रीड कर रहे हैं, हम तो अंदर देखें कि अंदर क्या हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो नीडल मूव करती है वो बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन कॉइल मूव करती है, कॉइल मूव कर रही है तो नीडल भी मूव कर रही है, कोई डाउट इसमें? तो इसको समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, जो आज शीट मिली है 72, तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 72 का प्रिंट आउट लेंगे, जिनको नहीं मिली वो प्लीज अभी वेट करें, प्रिंट आउट अभी आ रहे हैं। किनको नहीं मिली कोई बात नहीं, अभी वो प्रिंट आउट आ रहा है, तो अभी यहीं से देखो एक मिनट। तो इसके अंदर आपको ये कंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में दिखाई गई है, देखो। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक मैग्नेट है, देखो हॉर्स शू, ये रहा हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, बढ़िया डायग्राम है, नॉर्थ एंड साउथ, बीच में ये देखो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को लपेट रखा है, कॉइल के ऊपर एक सुई लगा रखी है, कॉइल घूमे सुई घूम गई, तो ऐसे आपको सिर्फ ये दिखता है, अंदर ये हो रहा होता है, ठीक। तो वोल्ट स्टेबलाइजर्स के अंदर आपने देखा भी होगा, वो बहुत कभी कभी खराब हो जाते हैं, वो टक 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 आवाज दे रहा होता है, तो अंदर कॉइल घूम रही हो, खराब हो जाती है, वो सही तरीके से टॉर्क नहीं जनरेट करती, तो ये यहां से आवाज आ रही होती है, तो वो सुई आगे पीछे हो जाती है। तो वो जो भी चीज है वो अलग बात है, पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये इसका देखने का आपको कैसे इमेजिन करना है। फिर अगर आप इसका टॉप व्यू देखें, टॉप का व्यू, टॉप का व्यू ऐसा है, टॉप से देखेंगे तो आपको ये मैग्नेट ऐसे दिखेगी, नॉर्थ एंड साउथ, ये रही। टॉप के व्यू में आपको ये सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर गोल दिखेगा, इसके ऊपर तारें लपेट रखी हैं, ये वायर लपेट रखी हैं, तो आपको लाइंस दिखेंगे टॉप व्यू से, देखो तारें लपेट रखी हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक। तो टॉप व्यू भी क्लियर है यहाँ तक, और वैसे भी समझ में आ गया क्या कंस्ट्रक्शन है, ठीक। अब वापस आ जाते हैं यहीं पे, बुकलेट पे वापस आ जाओ। देखो अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में, तो आपने कंस्ट्रक्शन तो बनाई लोगे डायग्राम, और वर्किंग के अंदर देखो क्या करना है। वर्किंग से पहले एक चीज को समझते हैं, अगर ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आप खींचते हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपेंशन कितनी है एक्स, स्प्रिंग में वापस जाने की एक फोर्स डेवलप हो जाएगी के एक्स, और इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी, वो किस पे डिपेंडेंट है, कितना आपने एक्सपैंड किया, और साथ में मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको क्या बोलते हैं के, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो अगर आपने एक स्प्रिंग को खींच दिया 10 N से और बस इसके ऊपर वो खींच नहीं रहा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, खींच के रखा हुआ है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स 10 इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स 10 इज इक्वल टू kx, ऐसे होता है। अब इमेजिन करो जो वायर की हम बात कर रहे हैं, ये स्प्रिंग की तरह वायर है, ये खींच नहीं रही, ये एक्सिस पे घूम रही है ऐसे, ठीक, रोटेट कर रही है। अब क्या होगा, जब रोटेशनल मोशन होता है, हम क्या बोलते हैं, हम फोर्स नहीं बोलते, हम टॉर्क बोलते हैं रोटेशन के अंदर, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट एक्स नहीं बोलते, थीटा बोलते हैं, थीटा। तो होगा क्या कि इमेजिन करो कि आपने एक वायर को घुमाया, तो आपने टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाया, डिफॉर्मिंग टॉर्क बोलते हैं इसे, जो इसकी शेप इसको खराब घुमा रहा है, या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, घुमाने का टॉर्क। अब होगा क्या, नीचे कॉइल घूमे, कॉइल घूमे तो ये भी घूमा, अब बस इसने घूमना बंद कर दिया। आपने इमेजिन किया होगा एक ज्योमेट्री बॉक्स पे, पेंसिल बॉक्स के ऊपर पेन रख के रबर बैंड के साथ आप वो घुमाते हैं, फिर काफ़ी देर के बाद बस वो घूमना बंद, बस इसके ऊपर नहीं, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो वापस खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या लगा रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो उसमें क्या डेवलप हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जब आपने रोक लिया था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क,
तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी टॉर्क लगाते हैं डिफ्लेक्टिंग, वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, कितना आपने उसको घुमाया। जितना ज्यादा घुमाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा लगाया, और रिस्टोरिंग टॉर्क भी एग्जैक्टली उतना ही डेवलप हो जाएगा। और एक मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा सब कुछ, स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे इसमें उसमें, ये फोर्स की जगह टॉर्क, थीटा एक्स की जगह थीटा, और इस कांस्टेंट है, इस टर्म को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो हम ये बोलते हैं कि जब ये कॉइल घूमना, क्योंकि एक बार तो टॉर्क जनरेट होगा, पर ये थोड़ा ना कि मोटर की तरह घूमती जाएगी, टॉर्क जनरेट हुआ, हल्की सी डिफ्लेक्ट हुई, वायर घूम गई और ये घूम नहीं रही। अब यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, वायर के रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। तो वहीं पे हम उसको रोक लेंगे, सुई वहीं रुक जाएगी और आगे नहीं जाएगी, और करंट मेजर किया जा सकता है। कैसे? तो जब आपने इस एक्सपेरिमेंट को करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि कॉइल का प्लेन, जो कॉइल का प्लेन है वो आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखना है। कॉइल का प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो थीटा इसका मतलब क्या हुआ, जीरो। तो अल्फा क्या हुआ इसमें, 90, थीटा जीरो तो अल्फा 90। तो इस इन शॉर्ट टॉर्क क्या लगा इस पे, मैक्सिमम। तो कॉइल को इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन रखते हैं ताकि मैक्सिमम टॉर्क हो। तो मैक्सिमम टॉर्क हमने कितना लगाया इसमें, एन बी आई ए, ये रहा एन बी आई ए, ठीक। लेकिन हमें पता है ये कॉइल और घूम नहीं पा रही, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो चुका है के थीटा। एक टाइम आएगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, वहीं सुई रुक जाएगी, इक्वेट कर दो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, वहीं सुई रुक गई, तो यहां से आई कैन बी कैलकुलेटेड। अब जितना ज्यादा एंगल और डिफ्लेक्शन होगा, घूमने का एंगल होगा, उतना ही ज्यादा आई भी होगा। तो आई का फॉर्मूला याद करना है तो बॉक्स में डालो, आई इज इक्वल टू के थीटा बाय एन बी ए। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में कि व्हाई पोल्स ऑफ मैग्नेट आर कनकेव इन शेप, कनकेव क्यों होते हैं ये, फ्लैट क्यों नहीं होते, सीधे क्यों नहीं होते। तो इसके अंदर आपने ये लिखना है कि जब ये कनकेव इन शेप होते हैं कुछ इस तरीके से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये टॉप व्यू है कॉइल का जिसमें कॉइल लपेटी गई है एक आयरन कोर के ऊपर। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंड होती हैं, और ये किसी भी सरफेस से 90 डिग्री पे निकलती हैं और 90 पे ही एंड होती हैं, जिस वजह से ये टेढ़ी हो जाती हैं ऐसे। और ये कनकेव शेप होने की वजह से सारी की सारी लाइंस कहां से पास होती हैं, फ्रॉम कॉइल इटसेल्फ। तो जो कॉइल है उसके प्लेन के साथ पास होती हैं, तो इसको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड फील होता है। अगर फ्लैट होती नॉर्थ एंड साउथ तो उस केस में क्या होता, उस केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ की जाती, ये लो ऐसे, तो इसमें बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लगता, भी कम होगा तो टॉर्क कम होगा, तो सुई ज्यादा घूमेगी नहीं। तो इसलिए आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देना है ताकि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो सके। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देने का क्या तरीका है, इसकी शेप क्या रखेंगे, कनकेव, ताकि सारी की सारी लाइंस मुड़ के इस एक्सिस में से ही पास करें, ठीक। इसको इस केस में ये इसका एक आंसर है, और जो है पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कनकेव इन शेप टू हैव यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड रेडियल, यूनिफॉर्म भी है स्ट्रॉन्ग भी है एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये टॉप व्यू का डायग्राम बनाना है जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी बताना है कि इस केस में व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट फील्ड इन विच प्लेन ऑफ कॉइल लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ है तो यानी कि मैक्सिमम टॉर्क उस केस में एक्सपीरियंस होता है, तो सारी लाइंस रेडियस के क्रॉस जाती हैं, सारी की सारी प्लेन में से पास करेंगी, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है यहां तक।
देखो नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि कोई गैल्वेनोमीटर कितने छोटे से छोटे करंट पे डिफ्लेक्शन शो कर जाए। अगर हल्का सा भी करंट किया और वो डिफ्लेक्शन शो कर पाए, इसका मतलब वो स्मॉल वैल्यूज को भी मेजर कर पा रहा है, तो वो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। और गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, इसका मतलब कि इसका मतलब अच्छी बात है कि सेंसिटिव है। ठीक, तो अब इस केस में करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब कितने छोटे करंट को वो मेजर कर सकता है और डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है मैथमेटिकली? करंट सेंसिटिविटी इज कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ कॉइल डिवाइडेड बाय जब कितना उसमें आई करंट पास किया। तो थीटा इज द एंगल जितना वो डिफ्लेक्ट हुआ, कब? जब आई करंट पास हुआ। आई करंट कितना पास हुआ था अभी थोड़ी देर पहले? के थीटा बाय एनबीए। इस आई को उठा के यहां पुट कर देते हैं, सर्कल कर लो इसे ताकि पता लग जाए कि ये आई है। के थीटा बाय एनबीए, थीटा से थीटा कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? एनबीए बाय के। तो करंट सेंसिटिविटी एनबीए बाय के। क्वेश्चन आएगा हाउ कैन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी, तो आप क्या बोलेंगे? टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी एनबीए शुड बी इंक्रीज्ड और के शुड बी डिक्रीज्ड, कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है ये फॉर्मूला, याद रहेगा? ठीक, नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी इज कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ कॉइल डिवाइडेड बाय कितनी वी की वैल्यू कॉइल में डेवलप हुई। वो था करंट सेंसिटिविटी थीटा बाय आई, ये क्या है? थीटा बाय वी। तो इसके अंदर वोल्टेज सेंसिटिविटी इज वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज आई इंटू जी। यहां पर जी का मतलब मैंने क्या एज्यूम किया? गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस कितनी है? जी। तो यहां पर क्या आएगा? आई इंटू जी। और यहां पर थीटा बाय आई क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी। तो अभी अभी डिस्कस किया था, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था। एन बी ए बाई के, इसको जी से डिवाइड कर दें क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाई जी, सीधा ही आंसर आ गया, करने की जरूरत ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूलाज क्लियर है यहां पर? कोई डाउट इसमें? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर या गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। अब प्रॉब्लम ये है, जो गैल्वेनोमीटर है बहुत छोटे करंट्स को मेजर करता है, जैसे मैंने बताया मिली एम्पियर, और मुझे मेजर करना है 5 एम्पियर 10 एम्पियर का करंट। तो उस केस में 5 एम्पियर मुझे मेजर करना है, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में अगर ज़्यादा करंट चला जाए तो हीटिंग अफेक्ट से वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ज़्यादा करंट वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, वो कमी कर पाएगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड। ठीक, तो उस मशीन को क्या बोलेंगे मॉडिफाई करने के बाद? एमीटर। ठीक,
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब प्रॉब्लम मैंने क्या बताई कि जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है और जो एमीटर है वो थोड़ी लार्ज वैल्यू को मेजर करेगा। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, कहीं ये ना सोचें कि एमीटर एक नई मशीन है जिसको हम फिर नए तरीके से बनाएंगे। बनाएंगे हम गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई करेंगे। देखो कैसे, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जी मींस वो पूरी मशीन को जी का नाम दिया, तो ये बहुत स्मॉल करंट को मेजर करता है पर पीछे से करंट क्या आ गया, लार्ज आ गया, बड़ा आ गया, सीधा जाएगा इसको उड़ा देगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस को लगाएंगे और ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का नाम क्या है, शंट। पैरेलल में एक बार पहले भी डिस्कस हुआ था इलेक्ट्रिसिटी में, शंट का मतलब अ वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस खास किस्म की रेजिस्टेंस का नाम क्या है, शंट। क्लियर है, कई बुक्स इसको एस लिखती हैं, कई बुक्स इसको आर एस लिखती हैं, एक ही बात है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट या एस फॉर शंट, एक ही बात है, कोई डाउट इसमें। अब होगा क्या, करंट अगर ज्यादा आ गया तो इसमें शंट की रेजिस्टेंस बहुत लो है, करंट दो ब्रांचेस में स्प्लिट, ज्यादा करंट किसमें जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा करंट नीचे से आएगा और इसमें कम जाएगा, इसमें कितना जाएगा, आईजी। और ये स्मॉल करंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो छोटा करंट तो मेजर कर ही देगा, तो ये आईजी की वैल्यू जी बता देगा और बाकी करंट इसमें चला गया, इसमें कितना चला गया, आई माइनस आईजी। अब क्या करना है, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो आईजी इनटू कितना, जी इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू कितना, S, ठीक। अब आपको पता है IG आपको कौन मेजर करके देगा, गैल्वेनोमीटर, G की वैल्यू आपको गैल्वेनोमीटर की पता है, IG पता है और S पता है, क्या जाएगा, I आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, तो और इस दोनों कॉम्बिनेशन को एक बॉक्स में पैक कर देना और बॉक्स का नाम दे देना, क्या मीटर बन गया, एम मीटर। तो एम मीटर को तोड़ोगे तो बीच में गैल्वेनोमीटर का छोटी सी शंट बाहर आ जाएगी, बस। तो कुछ नहीं है, वो मीटर का नाम जरूर डिफरेंट है पर एक्चुअल में वो गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन ही है, कोई डाउट इसमें। तो ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें। आगे तो मैंने इसमें लिख दिया, ये डायग्राम बन गया, ये वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल आएगा, शंट निकालो, शंट की वैल्यू आ जाएगी। कई बुक्स गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को भी जी नहीं लिखती, कई बुक्स गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को आर ऑफ जी लिखती हैं, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट को क्या लिखती हैं, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, कोई बात नहीं, फिर हम यहां पे क्या पुट कर लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और यहां क्या पुट कर लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सिंबल तो जो मर्जी चेंज करें, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है इस पूरे एम मीटर की, जी और एस किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक है यहां तक। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि वाई अ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाइल मेकिंग एम मीटर, हम लो रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं, ताकि उसमें मैक्सिमम करंट जाए और इसमें कम करंट जाए, क्योंकि ये कम करंट को ही मेजर कर सकता है, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है यहां तक। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। देखो सबसे पहले सपोज करो, इधर पहले समझ लो उसकी बात करना, ये एक रेजिस्टेंस है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं मालूम, इसमें कोई करंट है मुझे करंट भी नहीं मालूम, और मैं ये ढूंढना चाहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो ऑब्वियसली आई इनटू आर, ना आई पता है ना आर पता है, मुझे मालूम नहीं। तो हमने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले भी डिस्कस किया था, कौन सी मशीन की थी, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की दो वायर इसके साथ कनेक्ट करो, बैलेंसिंग पॉइंट निकालो, कैलकुलेशन करो, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लेके आएंगे, वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर किससे बना हुआ है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बाय
अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये बोलना जरूरी है, वेरी हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस आर को सीरीज में लगाएंगे तो उस केस में इस बॉक्स का नाम क्या है, कौन सा मीटर है, वोल्टमीटर, इसको वोल्टमीटर बोलते हैं। अब काम कैसे करते हैं, ध्यान से देखो काम करने का तरीका। यहां से करंट आया आई, ठीक, और मैं चाहता हूं आई इंटू आर निकालना इसमें से सिंपल। अब प्रॉब्लम यह है कि दो रास्ते हो गए, दो रास्तों में से करंट स्प्लिट हो जाएगा। अब किसमें ज्यादा जाएगा, इसमें कि नीचे वाली में, नीचे वाली में ज्यादा जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर आपने रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दी, तो इसके अंदर करंट कम जाएगा और कम करंट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। और वैसे भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट मैं चाहता हूं इसमें पास हो ताकि आई इन टू आर का प्रोडक्ट सही आए। एक्यूरेसी तो नहीं आ सकती क्योंकि सारा करंट जब जाएगा तभी सही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पर चलो इतना नहीं आ पाएगा, थोड़ी वेरिएशन तो रहती है। तो मैक्सिमम करंट इसमें जा रहा है, इसमें बहुत ही कम जा रहा है, ठीक है आ तक। तो मेरे को इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर से निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि आई जी कैन बी मेजर्ड बाई केल्विनोमीटर। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या होगा, आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू जी। तो यहां से क्योंकि आई जी कैन बी मेजर्ड, आर और जी आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, आपकी किताबों में गलत तो नहीं है, सिर्फ वोल्ट मीटर ऐसे बना होता है बस, कि मशीन तो यही है लेकिन एक्चुअल में जब यूज होता है तो ऐसे यूज होता है। चाहो तो अलग डायग्राम बना लो इसके नीचे, समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे आती है, इस बुकलेट के नीचे बना लो। ठीक है यहाँ तक,
एक एक और करेक्शन करो बुकलेट में, इसके अंदर v किसके इक्वल आया, ig into r plus g, ig into r plus g, और ये r आगे लगी हो या पीछे लगी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज है। तो यहां लिखो ig, i की जगह i के पैर में g, ig आएगा, i नहीं आएगा ना, ig आएगा। ठीक, पहला स्टेप क्लियर है। अगले स्टेप में भी लिखो ig into r plus ig into g, इधर भी लिखो i of g लिख लिया। अगले दो स्टेप ये वाले कट कर लो, किसी काम के नहीं है, इसे कट कर लो, इन दोनों को कट करो, क्योंकि हमने v निकालना है, v आ गया हमारे पास। तो यहां पर क्या आ गया, v is equal to ig into r plus ig into g, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है मीटर की, r plus g। क्वेश्चन आएगा why a very high resistance is connected in series in case of a voltmeter, क्यों, ताकि इसमें करंट कम से कम जाए और गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो पाए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं आपके इसके बोर्ड्स के, और मैंने कहा था पेनड्राइव में ले जाना, चैप्टर स्कैन कर दिए हमने, तो जो और चैप्टर स्कैन के अंदर वो ब्लू पेन से मैंने मार्क भी कर दिए कौन कौन से इमीडिएटली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर चुके। तो पेनड्राइव बाहर दोगे रिसेप्शन पे तो कंटेंट आप ले सकते हो उसमें। ठीक, यू लाइक वाला बुक का वो कह रहा था, उसमें से सितंबर एग्जाम या बोर्ड की जो लोग तैयारी करते हैं तो प्लीज देख के जाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल ही कुछ और है उन लोगों का, तो वो आपको बुक बताएगी क्या स्टाइल है। ठीक, ओके, असाइनमेंट नंबर 72 पे आ जाओ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक, तो इसमें प्रिंसिपल, अब बुक्स कैसे लिखती हैं ये भी तो लिखना देखना जरूरी है। अब इस बुक में से हम सिर्फ वही पार्ट करेंगे जो मेरी बुकलेट में नहीं है, बस वही देखेंगे बाकी नहीं देखेंगे। तो हमने इसका प्रिंसिपल कर लिया, हमने कंस्ट्रक्शन बुकलेट में से अपनी कर ली जो करनी है। वर्किंग के अंदर इसने क्या किया, इसने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि करंट कैरिंग कॉइल इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल जनरेट अ टॉर्क। बनाना है बना देना, पर रिकमेंडेड नहीं है, 3 नंबर के उसमें क्या कुछ ड्रॉ करोगे, थोड़ा लंबा करना है और पेज भरने हैं तो ठीक है, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है। तो सीधा वर्किंग जो मैंने बुकलेट में लिखी सफिशेंट है, और आपके पास यहां तक आ गया NBIA इज K थीटा। मैंने बुकलेट में एंगल क्या लिखा था, थीटा, ये अपने बुक में क्या लिखता है, अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बुक में जो आप क्वेश्चंस करेंगे या देखेंगे उसमें थीटा की जगह अल्फा गिवन होगा, क्लियर है, कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर अल्फा या थीटा क्या जाएगा, NBA by K into I, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, यहां पे आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमने क्या किया था कि द इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रोवाइडेड विद अ स्केल विद इक्वल डिविजन्स अलोंग अ सर्कुलर स्केल टू इंडिकेट इक्वल स्टेप्स इन अ करंट। एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्केल बना होता है ना, जो ये स्केल बना होगा ये रहा, तो उसमें क्या होता है, ये टिक्स होते हैं, ये देखो टिक्स, ये देखो डिविजन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सर्कुलर स्केल को इक्वल हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक, इक्वल हिस्सों में, ये स्पेसिंग इक्वल है, जितनी भी स्पेसिंग देख रहे हो एकदम बराबर बराबर है, ठीक। एक डिवीजन, ये एक डिवीजन है, एक डिवीजन एक डिग्री के इक्वल होती है, एक एंगल, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि अगर मान लो ये हम बोलते हैं इसमें n नंबर ऑफ डिवीजन्स है, तो एक डिवीजन एक डिग्री के इक्वल है सपोज करो, तो इनटू n नंबर ऑफ डिवीजन्स करोगे तो टोटल एंगल आ जाएगा। तो पूरे एंगल को बेसिकली यहां से लेके यहां तक के एंगल को इक्वल डिवीजन में बांट रखा है। तो जैसे टोटल एंगल यहां से यहां तक 60 डिग्री का है, तो उसको इक्वल हिस्सों में बांट रखे 1-1 डिग्री के 60 डिवीजन है। तो मतलब एंगल अगर सपोज टोटल 60 डिग्री है और किसी क्वेश्चन में एंगल नहीं गिवन, किसी क्वेश्चन में डिवीजन गिवन है 60, तो एक ही बात है। तो यानी कि अपने मन में एंगल को पुट कर लेना है 60
डिविजन एक ही बात है, तो एल्फा एंगल या तो 60 डिग्री गिवन होगा या 60 डिविजन गिवन होगा, एक ही बात है। तो ये ना सोचना कि एंगल के यूनिट डिविजन कब से होने लग गए, इसमें तो होते हैं, इसमें एंगल की जगह आप 60 डिविजन पुट कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। आता तो इसका कहने का मतलब ये, मैं यूज भी करके दिखाऊंगा अभी आपको इससे कैसे करना है, तो याद रखना एंगल की जगह आप डिविजन में अपने आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। थीटा होता थीटा पुट कर देंगे 60 डिग्री, नहीं 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 टॉर्क कौन जनरेट कर रहे हैं इसमें, तो फॉर्मूला चेंज हो गया, NBA बाई K उड़ गया साइन, तो हम तो गैल्वेनोमीटर कर रहे हैं ना, टॉर्क नहीं कर रहे इस टाइम, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर तो अल्फा अकेला ही घूम रहा है बस, साइन तो आ ही नहीं रहा। मैं करके दिखाऊंगा, चिंता ना करो, बस ये याद रखना पर डिग्री या पर डिवीजन इसमें एक ही बात है, पर डिग्री या पर डिवीजन एक बात है, ठीक है। यहां तक मैं यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो सर्कुलर स्केल है जिसमें आपने इक्वल डिविजन्स कर रखी हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर स्केल। और आई की वैल्यू के एन बी ए एल्फा, ये भी हमने प्रूव किया। तो इसके अंदर ये बुक क्या करती है, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सिंबल्स ये चेंज करेगी, जो हमने यूज किए थे उससे थोड़े से डिफरेंट सिंबल्स यूज करती है। ये बुक कहती है कि जो कॉन्स्टेंट देख रहे हो फॉर गैल्वेनोमीटर, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, इस कॉन्स्टेंट का नाम है जी, जबकि हमने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया था, जी, तो इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, जी, और इस कॉन्स्टेंट का की जो वैल्यू है के बाई एन बी ए, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, इसको बॉक्स में डालो, क्योंकि बुकलेट से अलग है ये, ठीक है, बुकलेट से थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर कहीं यूज हो जाए तो कम से कम पता हो कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है। अब क्योंकि इस टॉपिक में बुक्स की जो रिप्रेजेंटेशन है सबकी डिफरेंट है, आप कोई मर्जी किताब उठा लो, हर कोई अपने अपने सिंबल यूज करे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देके समझना पड़ेगा और फोकस बिल्कुल बोर्ड पे रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी का मतलब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है या गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट है। पर क्योंकि अब हम ये बुक फॉलो करने जा रहे हैं, हम इसी के सिंबल के साथ चलना चाहेंगे, पूरे असाइनमेंट इसके साथ करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे इंपॉर्टेंट मार्क करो फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट मैंने भी लिखी हुई थी डेफिनेशन वैसे फिगर ऑफ मेरिट की, अगर बुकलेट के अंदर देखो तो मैंने क्या लिखा था, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी फिगर ऑफ मेरिट। तो इसकी जगह ये कर लो, एक ही बात है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था क्या, एंगल डिवाइडेड बाय आई, याद करो थीटा बाय आई, जो मेरी बुकलेट में लिखा हुआ था, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ डिवाइडेड बाय उसमें कितना करंट पास हुआ, यही थी करंट सेंसिटिविटी। और इसने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल क्या लिया, आई बाय अल्फा, उल्टा कर दिया। और आई बाय अल्फा, ये देखो आई किसके इक्वल है, इस फॉर्मूले से जी इनटू अल्फा, तो आई बाय अल्फा क्या है, जी। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर का कॉन्स्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट वन एंड दी सेम थिंग, देखो ना जी का फॉर्मूला भी यही था ऊपर से, ये देखो यहां से इक्वेट करके, और जो है फिगर ऑफ मेरिट भी सेम है, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। लेकिन डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन आपको ऐसे करना है कि कितना एंगल, एक तरीका कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ जब उसमें आई अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ, उल्टा करते हैं, फिगर ऑफ मेरिट को हम क्या लिखेंगे, आई बाय अल्फा, जब हमने आई करंट पास हुआ तो आई करंट पास करके उसने कितना एंगल कवर किया, ये जो है फिगर ऑफ मेरिट है। इसको डिफाइन करने का तरीका कि I का मतलब इट इज डिफाइंड एज करंट, I फॉर करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन इन अ गैल्वेनोमीटर। वन स्केल डिवीजन का मतलब क्या है, वन स्केल डिवीजन का मतलब यह है कि जैसे आपने इसमें क्या लिखा, I डिवाइडेड बाय अल्फा, ये क्या है फिगर ऑफ मेरिट, यही फॉर्मूला है फिगर ऑफ मेरिट का लिख लिया मैंने, उसने कहा कि कितना करंट पास हुआ, करंट पास हुआ पर यूनिट एंगल, टोटल एंगल से डिवाइड किया, तो ऐसे बोल सकते हैं पर यूनिट एंगल, एक एंगल पर यूनिट का मतलब एक डिग्री, एक एंगल में कितना करंट पास हुआ, फिगर ऑफ मेरिट है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एंगल की जगह डिवीजन भी बोल सकते हैं, तो पर ऐसे बोल सकता हूं करंट पास पर
डिवीजन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे कि बिकॉज एंगल को नंबर ऑफ डिवीजन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब कितना करंट पास हुआ पर डिवीजन, उसको हम क्या बोल सकते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो यही बोल रहा है वो भी कि कितना करंट पास होता है इन वन स्केल डिवीजन, वन स्केल डिवीजन का मतलब पर डिवीजन, तो कितना करंट पास हुआ पर डिवीजन फिगर ऑफ मेरिट। तो मैथमेटिकल क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें तो मार्क कर लिया यहां पे। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन को मार्क कर लो। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर में अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। तो बहुत डिफ्लेक्शन शो करता है, अगर छोटा सा करंट भी पास किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी। हमने करंट सेंसिटिविटी की, करंट सेंसिटिविटी का सिंबल हमने क्या यूज किया CS, मैंने बोला था ये क्या यूज करेगा IS, क्या फर्क पड़ता है। करंट सेंसिटिविटी आई फॉर करंट एस फॉर सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था हमने प्रूव किया था NB A by K, या एक और डेफिनेशन थी कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ अपॉन कितना करंट पास हुआ, वो बुकलेट वाली सेम डेफिनेशन है, क्लियर है यहां तक। और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हमने क्या लिखा था VS, इसने क्या लिखा VS, सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस। अब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हमने क्या ली थी जी, इसने क्या ली आर, आर कोई बात नहीं इसके हिसाब से चलते हैं, तो आर इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर अल्फा बाय वी किया, अल्फा डिवाइडेड बाय वी की जगह आई आर, और आई हमें पता है पुट कर दिया के बाय एन बी ए, आंसर आ गया। नहीं तो वही बुकलेट वाला याद कर लो एन बी ए बाय के बाय जी था, जी की जगह आर कर लो, एक ही बात है, ठीक बार बार करने की जरूरत नहीं है पर सिंबल इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे इस बुक में करंट सेंसिटिविटी को आई एस, वोल्टेज सेंसिटिविटी को वी एस, सिंबल्स क्लियर है। और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को कभी कभी यूज करेगा आर, कभी कभी यूज करेगा आर ऑफ जी, वो तो जब यूज करेगा सिंबल बता ही देगा, ठीक है यहां तक। फैक्टर ऑन विच सेंसिटिविटी डिपेंड्स, सेंसिटिविटी के फॉर्मूले इतनी बार कर लिए एन बी ए बाय के, तो एन पे ए पे बी पे और के पे, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर बताओ सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, हाउ करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज। मैंने बुकलेट में एक लाइन में बोल तो दिया बाय इंक्रीजिंग एन बी ए एंड डिक्रीजिंग के, तो ठीक है वहां से इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती है फैक्टर्स, क्या स्टेप भी क्लियर है, ठीक। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक बार खुद देखेंगे आप। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूले यूज्ड के अंदर करंट का फॉर्मूला जो हमने डराइव किया गैल्वेनोमीटर में यही था, ये फॉर्मूला क्लियर है। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस अगर आ जाए तो अल्फा एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, क्लियर है ये तो याद करने का जरूरत ही नहीं है। अगर किसी न्यूमेरिकल में डिफ्लेक्शन आ जाए तो ये फॉर्मूला। फिगर ऑफ मेरिट जी से रिप्रेजेंट होता है, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट क्या था आई बाई अल्फा, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी यानी कि के बाई एन बी ए, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है करंट सेंसिटिविटी क्या था इसका रेसिप्रोकल अल्फा बाय आई, क्या फॉर्मूला था एन बी ए बाय के। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या थी अल्फा बाय वी, वी की जगह आई आर, या फिर एन बी ए बाय के आर, ये फॉर्मूलास यूज करेंगे, कोई डाउट इसमें। फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ना है, स्टेटमेंट देखो
समझ में आ गया यहां तक? क्या गिवन है? स्टेटमेंट बड़ी है, न्यूमेरिकल छोटे हैं, फॉर्मूला बेस्ड है. कैसे? रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया गिवन, एरिया गिवन है 60 टर्न्स, एन गिवन है, वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड से बांध दिया, कॉइल रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड में है, ऑब्वियसली रेडियल ही होता है फील्ड, तो इसमें हमेशा 90 गॉस है, टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10^-4. वॉट इज इट टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, के मुझे निकालना है जब करंट 0.20 और डिफ्लेक्शन एल्फा कितना है 18. तो अभी हमने वो फॉर्मूला किया था करंट वाला, और उसमें के एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, वैल्यूज पुट करोगे के आ गया. पॉइंट समझ में आ रहा है कि के की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर क्वाइल ईच ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ गिवन, एल और बी गिवन है, तो यहां से क्या जाएगा? एरिया. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, टॉर्शनल कांस्टेंट के गिवन है, द क्वाइल डिफ्लेक्ट थ्रू एन एंगल ऑफ 0.2 रेडियंस, तो 0.2 रेडियंस आपको थीटा गिवन है, एंड करंट आपको गिवन है. क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स. वही गैल्वेनोमीटर का स्टैंडर्ड करंट का फॉर्मूला, तो आप उस फॉर्मूले में, करंट के फॉर्मूले में एन एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, सारी वैल्यूज पुट करके एन कैन बी कैलकुलेटेड. पॉइंट समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है? ठीक, ये मिसप्रिंट है. क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में अ करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट करो, इसे करेक्शन करो, 200 माइक्रो एम्पियर. देखो इसके अंदर क्या गिवन है? करंट आपको गिवन है 200 माइक्रो एम्पियर, डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 30 डिग्री. इसने एंगल थीटा ले लिया, ये नहीं मुझे पसंद आता, कभी अल्फा कभी थीटा, अल्फा करो इसे, क्योंकि आगे ये पूरा अल्फा यूज कर रहा है, गलती से थीटा ले लिया, तो करेक्शन है यहां पर अल्फा 1 और यहां पर अल्फा 2 करो, क्योंकि एंगल की रिप्रेजेंटेशन अल्फा ले रहा है, तो इसको अल्फा 1 और अल्फा 2 करो प्लीज. तो इसके अंदर I1 गिवन है और एंगल थीटा 1 गिवन, अल्फा 1 गिवन है. व्हाट शुड बी द करंट? अब करंट निकालना है I2, जब रोटेशन कितनी हो जाएगी? π/10. अब रेडियंस है तो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल या तो रेडियन में या दोनों एंगल डिग्री में, एक चीज. तो आपको ये पता है करंट का पहले केस में ये फॉर्मूला, दूसरे में ये फॉर्मूला, क्योंकि दोनों गैल्वेनोमीटर में ना तो के ना एन ना बी ना ए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इन्हें डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ गई. आपको I2 निकालना है, आपको एंगल्स पता है, करंट पता है 200, करंट आ गया. और अगर करंट सेंसिटिविटी निकालनी है तो चाहे फर्स्ट गैल्वेनोमीटर की चाहे सेकंड की, जिससे मर्जी निकाल दो, एंगल बाय करंट, करंट सेंसिटिविटी है, या तो अल्फा 2 बाय I2 कर लो या अल्फा 1 बाय I1 कर लो, जिससे मर्जी कर लो, रेशियो कैन बी कैलकुलेट. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है. कैसे? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 80 में भी यार थीटा ले रहा है, अल्फा लेना चाहिए.
83rd. गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिलीवोल्ट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजंस. तो एक गैल्वेनोमीटर को 50 मिलीवोल्ट चाहिए कंप्लीट, और जिसमें कितने डिवीजंस कंप्लीट हो जाती हैं उसमें 50. तो मैंने आपको बताया था एंगल कवर्ड अपॉन वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो यहां से आई जाएगी कैसे, अल्फा में एंगल नहीं पता, डिविजन्स पता है तो मैंने बता दिया था, बात एक ही है, डिविजन्स पुट कर लें, और डिवाइडेड बाय वी का मतलब 50 मिलीवोल्ट. तो डिवाइड करके मिली का मतलब 10^-3 वीएस आ गया. फिर उसी तरीके से वो कह रहा है व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस इफ करंट सेंसिटिविटी इज गिवन. अब मैंने आपको यह भी बताया था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय क्या थी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. मैंने जी पुट किया था वैसे, इसे आर एस पुट कर लिया, एक ही बात है. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट, मैंने ऐसे किया था, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय जी. तो इसने इसको सिंबल चेंज किया. तो आर ऑफ जी क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई एस बाय वी एस. तो आई एस करंट सेंसिटिविटी पता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी पता है, रेजिस्टेंस आ गई. पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है. वैभव ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 84 बहुत बार एनसीईआरटी बोर्ड में आया है यार, इसको एक बार देखो. 84th पिछला क्वेश्चन है वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी, उसकी सिंबल चेंज कर गया ना, आरजी कर गया, तो आरजी इज आईएस बाय वीएस. ठीक है ना, सिंबल चेंज हो गए. मैं कहता रहा हूं ये बुक चेंज है तो सिंबल चेंज हो गए, हर बुक को पढ़ोगे वो डिफरेंट ही अपनी रिप्रेजेंटेशन करे जा रही है. तो आप जो भी करना चाहते हो घर आराम से बैठ के पढ़ो और एक रिप्रेजेंटेशन के साथ काम कर लो, बस एक फॉर्मूला लगा लो, एक फॉर्मूले के साथ करते जाओ, ठीक है ना. तो फॉर्मूला आप ही को बनाना है, जो पसंद है आप वो एक बना लेना. वैसे तो यही बुक फॉलो कर रहे हो, इसी को चलने दो, मैं तो कहता हूं एक बुक को फॉलो कर लो जो करना है.
ठीक। तो अभी इस क्वेश्चन को कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो इसमें एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया गिवन है, बी गिवन है और आर गिवन है। वो कह रहे हैं इंडिकेटर सिंपल वे, एक बहुत आसान तरीका बताओ जिससे कि मैं करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज कर दूं, बढ़ा सकूं। और इट इज नॉट इजी टू चेंज ए और बी, ना तो एरिया चेंज किया जा सकता है ना मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, कितना एंगल अपॉन कितना करंट, यानी कि एनबी ए बाई के का फॉर्मूला है। वो कह रहे हैं ए को चेंज नहीं करना, बी को चेंज नहीं करना, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होगा, तो ए की बहुत आसान तरीका है नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो करंट सेंसिटिविटी इसका मतलब सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। इस केस में और कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ टर्न्स अभी कितने हैं, 24। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को 25% बढ़ा दूं तो करंट सेंसिटिविटी भी 25% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने हमारे पास, 24। 24 का 25% इंक्रीज करके कितनी वैल्यू आती है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 24 into 1/4 क्या होता है, 6। तो 24 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 30। तो 24 का 25% इंक्रीज कितनी वैल्यू देगा, 30। तो इसका मतलब कि करंट नंबर ऑफ टर्न्स 24 से कितने करने हैं, 30। तो 25% इंक्रीज माना जाएगा तो करंट सेंसिटिविटी भी अपने आप ही 25% इंक्रीज हो जाएगी। क्या स्टेप क्लियर है? फिर सेकेंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि ऐसा करने से जब आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो आपको वायर की लेंथ बढ़ानी पड़ी। वायर की लेंथ बढ़ गई तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस 14 ओम थी और रेजिस्टेंस अब कितनी हो गई, 21 ओम। तो बोलो वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या हुआ? तो उस केस में जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी एन बी ए बाई के डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब प्रॉब्लम इस बुक की एक और है, वो कहीं कहीं तो रेजिस्टेंस वो गैल्वेनोमीटर को आरजी लिखता है, कहीं कहीं आर लिख लेता है। पर आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है कि एक ही बात है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी ना तो ए चेंज हो रहा है, ना बी ना के, तो सिर्फ दो फैक्टर चेंज हो रहे हैं और वो है एक एन और एक आर। तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स 24 थे, 24 थे तो आर 14 ओम था। नंबर ऑफ टर्न सेकंड केस में 30 हो गए तो आर भी 21 हो गया। तो एन बाय आर की रेशियो 1.7 से 1.4 हो गई, कम हो गई। तो एन बाय आर जब कम हो जाएगी, पहले ज्यादा थी अब कम, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले ज्यादा थी अब कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी विल डिक्रीज आंसर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो इस पेज पे एज अ होमवर्क आपको खुद ट्राई करने हैं। सारे तो मैं नहीं करा सकता, सॉल्व अनसॉल्व बहुत बड़े, इतना जरूर कह सकता हूं कि ये शीट की हुई आपका एक क्वेश्चन तो ठीक करवाई देगी, जो अगर आ गया तो ठीक। तो ये आपको ट्राई करनी है, सॉल्व एंड अनसॉल्व इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है सारे का सारा। ये सॉल्यूशन भी साथ में मेंशन ही है इसमें, तो हिंट देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है इसी में मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। सो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, एमीटर बनाने के लिए आपको क्या लगानी पड़ती है, शंट। तो आप एक जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ पैरल में क्या लगाते हैं, शंट। फिर ये हमने बुकलेट में कर लिया, ये डायग्राम भी पता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सारा कुछ सेम है। जैसे आई जी इंटू जी पैरल में किया था मैंने भी, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। और मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था शंट का, ये फॉर्मूला मार्क कर लो, करेक्ट कर इसे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर मान लो एक मिनट, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, एस इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू कितना जी। अगर ये बुक थोड़ी देर में अपनी नोटेशंस को चेंज करे तो टेंशन नहीं लेना, वो करने वाली है। वो क्या करेगी, शंट की जगह आर ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट लिख ले, क्या फर्क पड़ता है, एस नहीं लिखेगी, आर आर एस लिख लेगी चलेगा। आई ऑफ जी को तो ऐसी रखेगी,
आई और आई जी को भी ऐसी रखेगी, जी को क्या लिख लेगी, आर ऑफ जी, तो लिख ले कोई बात नहीं, ये खुद ही ऐसे कर रही है, पहले ये फॉर्मूला लिख देगी पर यूज करते हुए न्यूमेरिकल में ये लिख देगी, तो प्लीज घबराना नहीं है, एक ही बात है, वैसे एक ही फॉलो करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो ऐसा होता रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर इसे और इक्वेशन को सॉल्व करें, आई जी का फॉर्मूला आ गया, तो करंट गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि एम मीटर में क्या होता है, एक शंट है और एक गैल्वेनोमीटर है, तो और वो भी पैरेलल में है, तो गैल्वेनोमीटर का करंट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलेगा तो ये आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो गैल्वेनोमीटर का करंट इसके इक्वल आएगा, और अगर फॉर्मूले में नोटेशन वो चेंज कर दे, घबराना नहीं है, एस की जगह आर ऑफ शंट, जी की जगह रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एस की जगह आर ऑफ शंट इनटू आई, एक ही बात है, ठीक है यहां तक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूज कर ले या वो यूज कर ले कोई फर्क नहीं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एम मीटर की सबको पता है, क्योंकि पैरेलल में होते हैं जी एंड एस, तो जी इंटू एस बाई जी प्लस एस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से कम आती है, जो भी आंसर आएगा एस से तो कम ही आएगा, बहुत छोटी रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से वोल्ट मीटर कन्वर्जन मैंने करवा दिया, ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, वोल्ट मीटर कन्वर्जन के अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था आपको, जो अपने हाथ से लिखा था, करेक्शन भी की थी, क्या V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी, चेक कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया था, आई जी इंटू आर प्लस जी, तो आई जी क्या आएगा, V बाई आर प्लस जी, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो R प्लस जी किसके इक्वल आएगा, V बाय आई जी, तो R किसके इक्वल आएगा, V बाय आई जी माइनस जी, फॉर्मूला रेजिस्टेंस, अगर वोल्ट मीटर पे क्वेश्चन आएगा और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू का फॉर्मूला काम आएगा, ये भी क्लियर है यहां तक, तो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की R प्लस जी होती है, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, फॉर्मूला फॉर्मूला यूज ये न्यूमेरिकल में यूज करेगा, आर ऑफ एस शंट का फॉर्मूला, ये रहा कहा था ना, उसमें एस यूज करेगा, इसमें आर एस यूज कर, कोई बात नहीं, कर लिया हमने, आई जी का फॉर्मूला, आई जी का फॉर्मूला ये रहा, कर लिया हमने, एम मीटर की रेजिस्टेंस सही है, आर हमने अभी निकाल लिया वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में ये भी ठीक है, फिफ्थ को मार्क करो, फिफ्थ को टिक मार्क करो, आई ऑफ जी, एक और तरीका है गैल्वेनोमीटर का करंट निकालने का, जो गैल्वेनोमीटर है उसका करंट वो कह रहा है n इंटू के, गैल्वेनोमीटर का करंट n इंटू के, वेयर n का मतलब डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कितने डिविजन्स बनी हुई है उसमें, और k को डिफाइन कर रहा है करंट, करंट कितना पास कर रहा है इन वन स्केल डिविजन, यानी कि करंट पर डिविजन, तो ऑब्वियसली अगर मैं नंबर ऑफ डिवीजन को करंट एक डिवीजन से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवीजन से डिवीजन कैंसिल, तो टोटल करंट आ जाएगा गैल्वेनोमीटर का, तो ये भी एक फॉर्मूला, आई जी का मतलब एन इन टू के अगर यूज करना पड़ जाए नंबर ऑफ डिवीजन की फॉर्म में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 87,
क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो क्या गिवन है मुझे, एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है। तो ये किसकी रेजिस्टेंस गिवन है, गैल्वेनोमीटर की, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया उसने, आर ऑफ जी। ठीक, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, ये करंट कौन मेजर कर रहा है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के करंट को किससे रिप्रेजेंट किया, आई ऑफ जी से। ठीक हो गया, वो कह रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा करंट मेजर कर पा रहा है 0.0025 एम्पियर। मुझे क्या मेजर करवाना है, 0 से 7.5 यानी कि मैक्सिमम कितना मेजर करवाना है, 7.5 एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर तो फेल है, क्या बनाना पड़ेगा इसका, एम मीटर। कह रहे बोलो कैसे बनाओगे, तो एम मीटर बनाने के लिए क्या लगती है, शंट। तो शंट लगेगी, तो आई की वैल्यू का मतलब टोटल करंट टू बी मेजर्ड, आई जी का मतलब गैल्वेनोमीटर जो मेजर कर सकता है। शंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, शंट का फॉर्मूला आई जी बाई वन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पता है, आई जी पता है, आई और आई जी पता है, आंसर ठीक है यहां तक। तो फॉर्मूले में वैल्यूज तो पुट किए हैं, शंट के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे आंसर। फिर वो ये कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर, अब मुझे उसी गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या लगती है, एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बोलो क्या होती है, उस रेजिस्टेंस की ये वैल्यू होती है, अभी करवाया मैंने और अभी लिखवाया था फॉर्मूला। वोल्टेज टू बी मेजर्ड कितनी है, 10 वोल्ट। आई जी हमारे पास है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, आंसर आर की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला ही तो यूज करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट 88th क्वेश्चन, वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, क्या कुछ गिवन है इसमें, वैल्यूज आइडेंटिफाई करो। तो कितने लोगों को समझ में आ गया, देखो गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है उसमें कितने डिविजन्स हैं, 100 इक्वल डिविजन्स हैं, ठीक। हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर ये गिवन है, ठीक। तो वो ये कह रहे हैं कि 10 डिविजन्स में फॉर 10 डिविजन्स करंट मेजरेबल कितना है, 1 मिली एम्पियर। 1 डिविजन में बोलो करंट कितना आएगा, 1/10 मिली एम्पियर, और हमारे पास कितने डिविजन्स हैं, 100। तो टोटल करंट जो गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा वो कितना आएगा, 10 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, गैल्वेनोमीटर का करंट, डाउट इसमें। तो गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया 10 मिली एम्पियर, क्लियर है, 10 मिली एम्पियर का ये कन्वर्ट हो गया। फिर इसी की दूसरी स्टेटमेंट है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट, यानी कि 2 अगर 2 डिविजन्स हैं तो वोल्टेज कितनी है, 1 मिली वोल्ट। 1 डिविजन है तो वोल्टेज कितनी है, 1/2 मिली वोल्ट। हमारे पास कितनी डिविजन है, टोटल 100, तो 1/2 इंटू 100 यानी कि
50 मिलीवोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर करता है निकाल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर वोल्टेज सेंसिटिविटी से हम निकाल सकते हैं कि कितनी वोल्टेज मेजर करता है। तो करंट सेंसिटिविटी का ये फायदा है कि नंबर ऑफ डिवीजंस को देख के टोटल करंट की वैल्यू आ जाती है, और ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये फायदा है कि नंबर ऑफ डिवीजन देख के टोटल वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक हो गया। तो आपको इस केस में दोनों चीजें गिवन है। वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि क्या अडॉप्शन लोगे कि आप मेजर, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है बहुत छोटा करंट मेजर कर पा रहा है आईजी 0.01 एम्पियर, आप क्या मेजर करवाना चाहते हो 5 एम्पियर, तो बोलो क्या बनाओगे गैल्वेनोमीटर का, एममीटर, गैल्वेनोमीटर का एममीटर बनाओगे। तो एक काम करेंगे, गैल्वेनोमीटर को एममीटर बनाने के लिए क्या लगेगी, शंट। शंट का सीधा फॉर्मूला यूज कर लें, तो ये रहा शंट कैन बी यूज्ड। तो शंट का फॉर्मूला यूज किया, शंट के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट किया, आंसर ठीक, एक आंसर। फिर अगला पार्ट है कि इसमें जो आप क्या मॉडिफिकेशन करोगे कि आप 5 एम्पियर, सॉरी सेकेंड पार्ट है 1 डिवीजन पर वोल्ट। तो आप ये मेजर करना चाहते हो कि 1 डिवीजन पर वोल्ट, ओके 1 डिवीजन क्या मेजर करे 1 वोल्ट, हमारे पास कितने डिवीजन हैं 100, तो टोटल कितने वोल्ट मेजर करना चाहते हैं 100। तो बताने का तरीका देखो, बच्चा खुद ही सॉल्व करेगा कि मैं तो एक डिवीजन की वोल्टेज बता रहा हूं, तो टोटल डिवीजन 100 है, तो 100 वोल्ट टोटल मेजरेबल वैल्यू है, क्लियर है यहां तक। लेकिन हमारी जो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो अभी तो बहुत कम वोल्ट मेजर कर रहा है, लेकिन हमें तो ज्यादा वोल्ट मेजर करवाने हैं, हम क्या बनाएंगे उसका, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बनाने का तरीका, सीरीज में आर लगा दो, वी टोटल 100 है, आईजी हमने निकाल लिया था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने निकाल ली थी, आंसर गिवन है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो एंड में है तो फॉर्मूला, इस पूरे क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम है, और वो है क्वेश्चन समझना, क्या बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। बाकी फॉर्मूला तो यार वही शंट या आर का ही लगना है, बट क्वेश्चन को समझना पड़ेगा वो क्या है, ठीक, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। देखो नेक्स्ट 89th, मीटर ऑफ रेजिस्टेंस गिवन, ठीक है, तो इसमें जो एम मीटर है उसकी रेजिस्टेंस गिवन है। अब एक मेरे माइंड में एक चीज आई कि क्वेश्चन तो गैल्वेनोमीटर का है और वो किसकी रेजिस्टेंस दे रहा है, एम मीटर की, तो शायद वो गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बना चुका है बाय कनेक्टिंग शंट। अभी तक ये समझ में आता है, कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर, तो वो कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट मेजर कर पाता है वो, वॉट मस्ट बी दी शंट रेजिस्टेंस, तो वो कह रहे हैं और शंट लगानी है टू एनेबल एम मीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर, तो वो रेंज बनाना बढ़ाना चाहता है, 1 एम्पियर मेजर कर पा रहा है आपका मीटर, वो 5 एम्पियर मेजर करना चाहता है, तो आप इसमें क्या करोगे। अब आप इसमें देखो ऐसे नहीं करोगे कि आप इसमें पहले एम मीटर, क्योंकि वर्ड यूज हो गया, तो एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट, और आप इसमें आपको गिवन क्या है इसमें एम मीटर, तो एम मीटर को आप गैल्वेनोमीटर की ही ट्रीट करो कि मान लो वो बेसिक एम मीटर गैल्वेनोमीटर ही है, और आप एक गैल्वेनोमीटर को जो कि 1 एम्पियर करंट मेजर करता है
उसको आप एक नया एमीटर बनाना चाहते हैं जो 5 एम्पियर मेजर करे। तो बेसिकली तो आप रेंज बनाना चाहते हो, 1 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर, तो आप इसमें शंट ही लगाएंगे। तो फॉर्मूला तो इसमें नो डाउट शंट का ही लगेगा। अब शंट के अंदर क्या होगा कि आई ऑफ जी का मतलब 1 एम्पियर, आई का मतलब 5 एम्पियर, और आर ऑफ जी का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, या इस केस में क्या, इसमें क्या बोलेंगे, एम मीटर एक ही बात है, तो सीधी एम मीटर की ही वैल्यू पुट करेंगे और सीधा आंसर आएगा। मतलब एक मीटर से, छोटे मीटर से बड़ा मीटर कैन बी कन्वर्टेड। अब उसका नाम चाहे गैल्वेनोमीटर दो, उसका नाम चाहे एम मीटर टू एम मीटर दो, लगेगी तो शंट ही इसमें। इफ यू वांट टू इंक्रीज दी रेंज ऑफ एनी मीटर, करंट की रेंज बढ़ाना चाहते हो तो शंट लगाते जाओ, एक गैल्वेनोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट होगा, फिर और बढ़ानी है तो एम मीटर में फिर शंट लगा दो, तो एक नया मीटर बनना चाहेगा, लेकिन फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ये पुराना मीटर की रीडिंग है, ये नई मीटर की रीडिंग है, ये पुराने मीटर की रीडिंग है, तो आंसर सीधा आ जाएगा। तो ये ना कंफ्यूज हो कि एम मीटर नहीं गिवन, मुझे तो गैल्वेनोमीटर गिवन है, रूल वही लगेगा, तो एक शंट का फॉर्मूला यूज करना है। आइडिया समझ में आ रहा है? ठीक, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे इसी शंट और इसके ऊपर बेस्ड है, एस या आर या एस या आर आपको करने हैं, आपको सीट निकालनी है, मैं कैसे करूंगा? तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे और तो कुछ नहीं करोगे, इसमें जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी प्रैक्टिस होगी, राइट? ये ट्राई करने हैं। एक और शीट है, शीट नंबर 73, तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 73 को एक बार प्लीज देखें। ये शीट अभी स्टार्ट की थी दूसरे बैच, फर्स्ट बैच के साथ, सेकंड में नहीं करवाई, तो हुआ क्या कि थोड़ा सा ना ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, और क्योंकि अभी आपने पहली बार ही सुना है, अभी तो किया भी नहीं, तो मैं आपके बैच में अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ही करवाऊँगा इसे। मैं नए टॉपिक को, मतलब नए, आप, मैं चाहता हूँ कि आप पहले जितना मैंने करवाया बस उतना आप ट्राई कर लें, सफिशियंट है, फिर इस शीट को नेक्स्ट टाइम ही इसको करेंगे। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, और क्योंकि आज का लेक्चर अपलोड करने को बोला था, तो आपके बैच में भी ये नेक्स्ट टाइम फिर से यहीं से स्टार्ट होगा लेक्चर, ठीक।